बच्चा नहीं है ये जो है ना फ्यूचर क्रिकेटर है, फास्ट बॉलर है बॉय हमारा। हस्बैंड की सपोर्ट थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि जब एक शौक है तो इस चीज को आगे परस्यू करते हैं एज अ प्रोफेशन, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, अपने घर से स्टार्ट करें, लेकिन काम जरूर करें। आप जरा देखें कि ये किस कदर क्रिस्पी हो रहा है, जस्ट लुक एट इट। ओए होए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या खूबसूरत दम लगाया है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मेटा फूड, मैं हूँ सायरा हारिस और मैं हूँ एक होम शेफ और आज हूँ रसोई में मैं। आज मेरी रसोई सीक्रेट रेसिपी है देसी फ्राइड फिश। आइए मेटा फूड, अब मैं आपको अपने किचन में लेके चलती हूँ। मेरी स्टोरी कुछ खास नहीं है, लेकिन मैंने अपना काम शुरू किया था 11 साल पहले, क्योंकि मेरी शादी हुई थी, फिर मेरे कोई बेबीज नहीं थे। हस्बैंड की सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि जब एक शौक है तो इस चीज़ को आगे परस्यू करते हैं एज अ प्रोफेशन, और फिर मैंने अपना काम शुरू किया था द पैशन फूड एंड बेकर्स। और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऑर्डर्स हैं, केटरिंग्स हैं, ऑफिसेज में लंच सप्लाई होते हैं, तो अब फुर्सत ही नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि हम चीज़ें घर में ही बनाते थे और ख़ुद ही खा रहे होते थे सब पूरे सब मिलके, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर्स बनना शुरू हुए और अब इतनी अच्छी गुडविल है कि काम है अल्हम्दुलिल्लाह। अप्स एंड डाउन्स हर काम में होते हैं, लेकिन अगर पैशन है तो अपने ज़रूर पैशन को परस्यू करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं बगैर ये सोचे हुए कि कोई क्या कह रहा है और हमें कोई क्या समझ रहा है। छोटा काम कोई भी नहीं होता, बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, अपने घर से स्टार्ट करें, लेकिन काम ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम लोग अपनी फ़िश को मैरिनेट करते हैं। इसके लिए हमें एक अंडा चाहिए होगा, 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, 2 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा है और भुना कुटा धनिया है, और 2 टेबलस्पून सफ़ेद वाले तिल हैं, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली, 1/4 टेबलस्पून येलो कलर, 1/2 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 2.5 टेबलस्पून मैदा एंड 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। मैरिनेशन ओवरनाइट हो तो बहुत अच्छा है, हम अभी मैरिनेट करेंगे आपके सामने और फिर अभी आपके सामने ही हम इसको डीप फ्राई करके। अच्छा, पहले आप इसको मिक्स कर लें, फिर आपको इसमें पानी की ज़रूरत हो अगर तो थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेगा, बहुत थिन कंसिस्टेंसी नहीं होगी इसकी। अभी आप इसको मैरिनेट करके छोड़ेंगे 15-20 मिनट में तो फिश अपना पानी भी थोड़ा सा रिलीज़ करती है, फ़ौरन पानी नहीं डालना है, मैरिनेट करके छोड़ेंगे इसको और फिर थोड़ा सा फ्राइंग से पहले हम इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, हम फ्राइड फिश के साथ बनाएंगे पोटैटो वेजेस। मैंने पोटैटो को इस तरह से कट किया था 1/4 में और फिर हमने इसको बॉईल कर लिया था, सही है। अब हम इसका बैटर बनाएंगे। कॉर्नफ्लावर मेजरिंग नहीं है, आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ओरिगैनो जाएगा 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, पेपरिका पाउडर है, गार्लिक पाउडर है और सॉल्ट है, और हम इसमें डालेंगे चिली सॉस अराउंड 2-3 टेबलस्पून। अब हम इसको मिक्स करके इसकी थिक कंसिस्टेंसी वाला बैटर करेंगे, फिर हम इस बैटर में बॉयल पोटैटोज़ को डालेंगे और फिर डीप फ्राई करेंगे। अच्छा, अपने जो पोटैटोज़ को हमने बैटर बनाया था और बैटर में हम इसको डिप करके अब इसको इस तरह से डीप फ्राई करेंगे, और डालने के बाद इसको बिल्कुल चलाना नहीं है ताकि इसकी कोटिंग एक अच्छी सी क्रिस्पी आएगी। इस पर कोटिंग ये देखें, इस तरह से पूरे आलूओं पे कोटिंग नहीं होगी, कहीं कहीं से आपको आलू दिखेंगे भी और आपको यही आलू भी क्रिस्प होंगे और कोटिंग भी क्रिस्प होगी, बस जब ये इस तरह से गोल्डन कलर आ जाएगा। हमने फ़िश मैरिनेट की थी, हमने इसको 1/2 आवर रखा था, ओवरनाइट रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस उसमें नमक नहीं डालिएगा। नमक आप जिस वक्त फ्राई कर रहे हो उससे आधा घंटा पहले डालिएगा, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगा। और बस आप इस तरह से एक एक पीस उठा के मीडियम टू हाई फ्लेम पे करिएगा, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, बहुत स्लो फ्लेम रखेंगे तो फिर वो सॉगी सी हो जाएगी, और इसको भी बिल्कुल डालने के बाद टच नहीं कीजिएगा। अच्छा, हमने इसको हाफ फ्राई किया था तो हमने निकाल लिया था इसको, ठीक है। जब हम इसको सर्व करेंगे तो हम इसको बिल्कुल तेज़ आँच पे दोबारा से रीफ्राई करेंगे और फिर सर्व करेंगे। अभी ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, लेकिन जब हम इसको रीफ्राई करेंगे तो फिर ये क्रिस्प हो जाएगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है, तो मैं इनके किचन में एंटर हो रही हूँ। मैं इधर ही थी वैसे, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बड़ी मजे की क्रिस्पी सी लग रही है, दिखाइए जरा। तो खैर एनीवेज, आपको क्लोजअप दिखाते हैं जरा। आप जरा देखें कि ये किस कदर क्रिस्पी हो रहा है, जस्ट लुक एट इट, वेरी क्रिस्पी, वेरी यम्मी, वेरी डिलीशियस, जस्ट लाइक अ वाओ।
वाह जी, ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या खूबसूरत दम लगाया इन्होंने। आपको कभी, हाँ, इसकी रेसिपी भी जो है इनसे हम कहेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड जरूर शेयर करें यार, वेरी नाइस एवरीथिंग। और हाँ, पोटैटो वेजेस भी हैं गाइस, आपने देख लिए होंगे, बनाइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब हम सर्व कर रहे हैं, तो उससे पहले हम इसको एक दफ़ा रिफ्राई करेंगे। मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ लाइव, यहाँ पे बच्चे से हार रहा है दानिश, बच्चे से हार रहा है गाइस। एक तो सच कह रहा है और हीराबाजी कह रही, तीन तीन बच्चा है, मैं इसलिए नहीं खेल रहा ना, असल में जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है। बच्चा नहीं है ये जो है ना, फ्यूचर क्रिकेटर है, फास्ट बॉलर है बॉय हमारा। मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ क्योंकि मोमेंट ऑफ द ट्रूथ देना ज़रूरी है ना। माशाल्लाह एक्सेलेंट, ये देखें भाई, माशाल्लाह भाई, वेरी वेरी नाइस। और हमारे पास खाली मैं रिव्यू नहीं करने वाली, वो कहते हैं ना घर का एक बंदा होना चाहिए ताकि आप लोगों को बाइस ना लगे। क्रिकेट व्लॉगर हैं, इधर आए आराम से, गिरे नहीं, बहुत गर्म है। मेरी तरफ से इट्स अ हिट, आपकी तरफ से? यस। उन्होंने फिश बहुत अच्छी बनाई है, बिरयानी मैंने अभी टेस्ट नहीं करी है क्योंकि वो हम ऑफ कैमरा टेस्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि भाई बिरयानी की शक्ल बहुत ही मज़ेदार आई है, बहुत ही प्यारी आई है। वो कहते हैं पहले खाना आप अपनी आंखों से खाते हैं, उसके बाद फिर आप पेट में जाता है आपके खाना। भाई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मेटा फूड को जरूर इसका रिस्पॉन्स दीजिएगा। बिल्कुल, और अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना है, कुछ भी है, वी गोना ड्रॉप द लिंक बिलो। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, रसोई में कौन था, क्योंकि रसोई में थी ये और मैं और आप सब। टिल देन, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।